तो मैं घर में ये फेशियल यूज करती हूँ, ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पर भी यूज किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप लोगों को चांद रात मुबारक। और आज की वीडियो बहुत ही बेस्ट होने जा रही है। अभी हम लोगों ने इफ्तारी की और इफ्तारी के बाद मैं अभी सोच रही थी कि हम लोग पार्लर जाऊंगी। अगर पार्लर पर भी रश हुआ तो मैं भी घर आकर जो हुआ फिर करेंगे। अच्छा वैसे मैंने कुछ स्पेशल नहीं कराना था, बस हेयर कट कराने थे और आप लोगों के लिए मेहंदी लगवानी थी। तो अभी मेहंदी अगर ना लग सके तो फिर घर पर रही मैं खुद ही अप्लाई कर लूँगी, लेकिन मेरी विश थी कि मैं आप लोगों के लिए मेहंदी लगवाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ थोड़ा बहुत माहौल। तो प्लीज़ आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। फाइनली मैं आप लोगों के चांद रात का माहौल दिखाने के लिए आप लोगों के लिए मैं बाहर गई और चूड़ियाँ बहुत ही मुझे अच्छी लग रही थी। खैर मैंने चूड़ियाँ जो हैं वो ले ली थी और मेरी शॉपिंग वैसे कंप्लीट थी, बस मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आप लोग ताकि एंजॉय करो तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बनाई है। बाजार में जो है वो बहुत ज़्यादा रश है और मैं आप लोगों को बाहर का माहौल दिखाती हूँ। अभी हम लोगों ने जो है क्रॉकरी की कुछ चीज़ें लेनी थी और वो हम लोग ले रहे हैं, कुछ चीज़ें रख ली थी, मैं आप लोगों को बाहर का माहौल उठा के दे। ये आप कहीं से भी पता, इसका फूल शूल नहीं है, माल में जाकर रेट चेक करें इसका। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्रॉकरी से हॉट पॉट लिया और हम लोग उसके बाद राहत बेकर्स पे गए। राहत बेकर्स पे कुछ मिठाई वगैरह लेनी थी वो ली है और केक्स भी बहुत अच्छे अच्छे डेकोरेट हुए थे। वैसे नॉर्मल डेज में केक मिलते नहीं हैं और ईद पर आए हुए होते हैं केक बहुत ही मज़े, और जब हमें केक की ज़रूरत होती है उस टाइम केक मिलता नहीं है, जिस टाइम ना ज़रूरत होती उस टाइम मज़े मज़े के न्यू जो है डिज़ाइन के केक होते हैं। बट मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए वीडियो बना थी शश के मशकों के लिए। जी तो अभी हम लोगों ने मिठाई वगैरह ले ली है और अब हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मैंने अभी मेहंदी शहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवाई। मेहंदी शह अभी घर जाकर अपनी तैयारी वगैरह करूँगी। अच्छा तो सारा काम होने के बाद मैं देन पार्लर पर गई एंड पर गई हूँ। पहले मैंने काम किया और फिर पार्लर पर की, मैंने अपॉइंटमेंट जो है वो ले ली थी, शुक्र है। जी तो हम लोगों ने फाइनली मेहंदी वगैरह लगवा ली है और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहे हैं कोई 12 हो रहे हैं। बहुत जल्दी मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और रश भी था। और आई होप से आप लोगों को मेहंदी मेरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं जाती हूँ और बाकी तैयारी भी करती हूँ और देखते हैं ज़रा क्या होता है। आप लोग मेरी मेहंदी का कलर चेक करें, कितना कलर खूबसूरत एंड नाइस कलर है, बहुत ही अच्छा मुझे मेहंदी का कलर लगा है माशाल्लाह से। और फर्स्ट टाइम मुझे मेहंदी का कलर अच्छा लगा है और मेहंदी का रेट भी बहुत अच्छा है। अभी जो है मैं वैक्सेस वगैरह करती हूँ और मैं वहाँ पर चली गई थी, मुझे पहले वैक्स करना चाहिए था लेकिन मेरी जो है वैक्सेस अभी रहती हैं, मैं अभी वैक्स करूँगी ठीक है और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अभी जो वैक्स वगैरह है ना वो रहता है और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। क्या हो गया, तो कोई अंदर चीज़ ही नहीं जा रही। हेयर कलर भी बहुत अच्छा है एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं उनसे दोबारा मेहंदी परचेज करूँगी, उनकी मेहंदी मुझे बहुत अच्छी लगी, वैसे वो मेहंदी सेल करती हैं। तो अभी बस मैं वैक्स करूँगी और फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
आप लोगों के साथ मैंने एक ट्रिक शेयर करनी थी। अगर जैसे कि अब ईद है और ईद पर टाइम नहीं होता फेशियल वगैरह कराने का, और फेशियल पड़ते भी बहुत ज़्यादा महंगे हैं स्पेशली ईद पर, तो जैसे कि मेहंदी के चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, इसी तरह फेशियल हर चीज़ के जो चार्जेस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, और फिर एंड टाइम पर अच्छा से नहीं हो सकता। आप लोगों को मैं ट्रिक दूंगी कि अगर आप लोग भी जो है वो फेशियल घर पर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को मैंने एक रिव्यू दिया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते फुल। लेकिन अभी जो मैं फेशियल करूँगी आप लोगों को वो दिखाती हूँ, एक मिनट। तो अभी जो मैं फेशियल करूँगी वो अर्जेंट फेशियल है, आप लोग कभी भी किसी भी टाइम कर सकते हैं, लेकिन ये उनके लिए है जो लेडीज़ मैरिड हैं और मैरिड होने की वजह से उनके पास टाइम नहीं होता, या मुझ जैसी लड़कियां जिनके पास फेशियल कराने से डरती हैं सैलून वगैरह से, वो डरती हैं कि हम लोगों की स्किन कभी ख़राब ना हो जाए या ऐसा वैसा। तो मैं भी जो है वो डरती हूँ कि बाहर से ना करवाऊँ, मैं घर पर करूँ, तो मैं घर में ये फेशियल यूज़ करती हूँ। ये मैंने अपनी इंगेजमेंट पर भी यूज़ किया था, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया था। उसके बाद मेरे एक फंक्शन था तो मैंने वहाँ भी यूज़ किया था, और उसके बाद ये मैंने आप लोगों को इसका रिव्यू भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा अर्जेंट फेशियल है। मतलब कि अभी मैंने फेशियल किया है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिखा सकती, आप लोग रिजल्ट इसके बहुत कमाल के अर्जेंट है, अर्जेंट जिस तरह के आप लोग चाहते हैं ना, मतलब आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हो जाए जैसे फेशियल के बाद रिजल्ट होते हैं, वैसे ही है। और ये आप लोग घर पर बैठ कर फेशियल कर सकते हैं। इसको अप्लाई कैसे करना है, कहाँ से मिलेगा, क्या मतलब कि वो सारी वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर बता दूँगा सिंपल आप लोगों ने फेशियल जैसे करते हैं वैसे ही अप्लाई करना। सो मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड, इसका नेम है अलियो अर्जेंट फेशियल और फॉर फेयर लोटस एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। तो बहुत ही अच्छा, आई होप सो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कपड़े वगैरह जो है वो कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिया, मतलब कि मैंने सामने रख दिए हैं, और वो बाकी कल हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मुझे लगता है यहाँ पर व्लॉग ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो जो आज था चांद रात में जो मेरे साथ हुआ सका वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और अब मिलेंगे कल मिलेंगे ठीक है नेक्स्ट वीडियो ईद की। तो मेरी तरफ से आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक।